सोचें जिस देश में वहां की राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, वहां के मंत्री सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति भवन पे अराजकता का माहौल है और जिहाद किस्म के लोग, आतंकवाद स्वभाव के लोग इस प्रकार का माहौल बना दिए, कोई कानून की पालना नहीं है, कोई नियम कायदे नहीं है, और राष्ट्रपति को आज और उनके मंदिरों को, सनातनियों के स्थानों को, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको लूटा खसोटा भी जा रहा है, ये स्थितियां पहले भी कई देशों में रही है, तो उन सबको यहाँ लाने की आवश्यकता है। और यहाँ भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियां छुपे बैठे हैं, रोहिंग्या यहाँ छुपे बैठे हैं, जिनको यहाँ से एक्सपोर्ट, राजस्थान में भी हैं, जयपुर में हैं, बांग्ला साहब करोड़ों की संख्या में है। मैं निवेदन करूँ आपको, आप हर गली मोहल्ले में काम करने वाली बाई से लेकर ई रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, सब्जी मंडी के अवैध तौर पे आप सभी, हमारे यहाँ किराएदार वेरिफिकेशन होना चाहिए, सरकारी जमीन पर नालों पर जो कब्जेदारी है उन पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, और यहाँ पर जयपुर नगर में फुटपाथ पे रहने वाले, डिवाइडर पे रहने वाले, इन सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि ये लोग कहाँ से आए हैं, उनको वापस कहाँ भेज। बांग्लादेश में फिलहाल हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बात करने के लिए मेरे साथ इस समय भाजपा के विधायक बालमुकुंद चारे हैं। बालमुकुंद जी, किस तरह से आप देखते हैं जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि सरकार को कोई पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए उसकी तरफ? बिल्कुल चिंता का विषय है। आप सोचें जिस देश में वहां की राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, वहां के मंत्री सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति भवन पे अराजकता का माहौल है और जिहाद किस्म के लोग, आतंकवाद स्वभाव के लोग इस प्रकार का माहौल बना दिए, कोई कानून की पालना नहीं है, कोई नियम कायदे नहीं है, और राष्ट्रपति को आज छुपना पड़ रहा है। ये धन्यवाद देता हूँ मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने पहल की और अपना मित्र भाव स्वभाव देखते हुए और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को यहाँ भारत में उनको लाके सुरक्षित लाया गया। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, शेख हसीना प्रधानमंत्री है और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि शेख हसीना जी को यहाँ पर देश में सुरक्षित लाया गया और वो देश में सुरक्षित आ गई, अन्यथा वहां देखते कि क्या स्थितियां उत्पन्न हुई है, क्या स्थिति हो जाती। जब राष्ट्रपति भवन ही सुरक्षित नहीं है तो फिर राष्ट्रपति कैसे सुरक्षित होता? तो ये तो धन्यवाद है भारत का, भारत की सरकार का, कि जिन्होंने बहुत अच्छी पहल की। अब निवेदन करना चाहूंगा मैं सरकार को कि यूसीसी के माध्यम से हमारे करोड़ों भारतीय हैं, सनातनीय हिंदू समाज के लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं और वहां ताड़नाएं झेल रहे हैं, और हो सकता है उनके साथ वहां कोई नुकसान भी हुआ हो, कोई कैजुअलिटी हो गई हो वहां पर, अभी आंकड़े आएंगे, और उनके मंदिरों को, सनातनियों के स्थानों को, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको लूटा खसोटा भी जा रहा है, ये स्थितियां पहले भी कई देशों में रही है, तो उन सबको यहाँ लाने की आवश्यकता है। और यहाँ भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियां छुपे बैठे हैं, रोहिंग्या यहाँ छुपे बैठे हैं, जिनको यहाँ से एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि वो उस अराजकता के माहौल में यहाँ फैलाएंगे, तो इससे अच्छा है उनको वापस वहीं भेज दिया जाए जहां उस माहौल में वो जीना चाहते हैं। यहाँ सुख शांति और समृद्धि और विकास की ओर भारत बढ़ रहा है, उसमें ऐसी कोई दुर्घटना न घटित हो जावे, तो इन सबको यहाँ से बाहर करना चाहिए। और जो हमारे सनातनीय भारतीय हैं या हमारे सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन सबको भारत में ले आना चाहिए। आपका मतलब, अगर मान लीजिए वहां से लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं, तो आपको लगता है क्या यहाँ पर इतना उनको ठीक से रखवा सकती है सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल, भारत समृद्ध है और भारत की स्वभाव और परंपरा रही है, और भारत का स्वभाव है वसुदेव कुटुंब, यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सारी दुनिया में सुख शांति रहनी चाहिए। तो भारत का स्वभाव है उन लोगों को सुरक्षित यहाँ ले आना चाहिए, और यहाँ जो करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी छुपे बैठे हैं घुसपैठिया, उनको ये वहां भेज देना चाहिए, तो अपने आप सब व्यवस्था हो जाएगी। राजस्थान में भी हैं, जयपुर में हैं क्या? बांग्ला साहब करोड़ों की संख्या में है। मैं निवेदन करूँ आपको, आप हर गली मोहल्ले में काम करने वाली बाई से लेकर ई रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, सब्जी मंडी के अवैध तौर पे आप सभी नालों पे चले जाएं। मदनलाल शर्मा जी की सरकार है, आपने कुछ बताया? मैं यही कह रहा हूँ सरकार, पिछली कांग्रेस जब काल था तो भरभर ट्रेनें घुसपैठियों के यहाँ किस रूप में आई, कैसे आई, और यहाँ सब जगह वो नालों पर कब्जा कर लिए, और वोट बैंक की राजनीति में कई लोगों को यहाँ पर कब्जाधारियों को सर्वे में लेकर और कार्ड भी बना दिए गए। बालमुकुंद जी, अब तो करीब 8 महीने से भजनलाल जी की सरकार है राजस्थान में, भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, आप कुछ उनको कहेंगे क्या कि वो कुछ इस बारे में अगर ऐसा है तो कार्यवाही करें? बिल्कुल, मुख्यमंत्री महोदय को मैंने निवेदन कर दिया है, सरकार को मैंने विधानसभा सत्र के द्वारा प्रश्न के माध्यम से भी मैंने निवेदन कर दिया है,
कि हमारे यहाँ किराएदार वेरिफिकेशन होना चाहिए, सरकारी जमीनों पर नालों पर जो कब्जेधारी हैं उन पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, और यहाँ पर जयपुर नगर में फुटपाथ पर रहने वाले, डिवाइडर पर रहने वाले, इन सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इनको वापस कहाँ भेज देने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर बालमुकुंदाचार्य का कहना है कि जो वहां पर सनातनी धर्म के लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको यहां पर शरण देनी चाहिए, और अवैध तौर पर यहां पर जो लोग बांग्लादेश के रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधा।